ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। दोस्तों हम हर रोज आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी से आपके और आपके परिवार की सफलता और कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको जया एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जया एकादशी कब पड़ रही है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और किस तरीके से आपको पूजा की विधि है जो जया एकादशी पे आपको करनी है, जिससे भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन के सारे संकट खत्म कर देंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। दोस्तों जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापिस आते हैं। दोस्तों जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 31 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:55 से हो रही है और यह अगले दिन 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए जया एकादशी 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। दोस्तों जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम आपको जया एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एकादशी वाले दिन व्रत करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। फिर व्रत का संकल्प लें और फिर श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें। श्री हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें और पूजा स्थल पर घी में हल्दी मिलाकर श्री हरि के सामने दीपक जलाएं, यानी प्रज्वलित करें। इसके बाद पीपल के पत्ते पर दूध, पीपल का पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो ध्यान रखें, और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को भोग लगाएं और शाम को तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसी के साथ एकादशी के दिन दान्य पुण्य भी करना चाहिए। भगवान को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांटें। इसी के साथ श्री हरि जी के साथ लक्ष्मी मैया का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें और आरती करें और श्री हरि और लक्ष्मी जी से अपनी भूल चूक के लिए प्रार्थना करें और कोई माफ़ी मांगें और प्रार्थना करें कि हे भगवान माता रानी, सदैव हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कोई भूल चूक को क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद दें कि बालक बालक का परिवार आप लोगों की छत्रछाया में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इस तरीके से पूजन करने के बाद आपको श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, सबसे आपको मुक्ति मिलेगी और आप अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों अपने कर्म करते रहिए, कोई कर्म प्रधान है, बाकी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ऐसी ही और अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल चमकती किस्मत सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।